तो चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां गन्ना खरीदी को लेकर किसानों का प्रदर्शन सामने आया। प्रगति पेट्रोल पंप और बोर्ड ऑफिस चौराहे के बीच में बने कॉरिडोर में पुलिस ने किसानों को रोक रखा है। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है और इस बीच कॉरिडोर सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं किसान। भारी तादाद में किसान पहुंचे हैं, अपनी मांग रखी है। और कुछ देर पहले भी स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को दिखाया था, जिसमें बताया गया था कि किसान भारी तादाद में पहुंचने वाले हैं, लिहाजा उनकी मांग है कि 335 रुपए कुंटल के हिसाब से उन्हें धान बेचा जाए। इस मांग को रखते हुए भारी तादाद में किसान पहुंचने वाले थे भोपाल, भारी तादाद में पहुंच गए हैं। और लिहाजा उन्होंने ये कहा था कि विधानसभा का घेराव भी वो करेंगे, लेकिन प्रगति पेट्रोल पंप पर इन सभी किसानों को रोक लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार गब्बर सिंह ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गब्बर, कितनी तादाद में किसान वहां पहुंचे हैं और पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? जी देखिए, नसीमपुर से जो किसान आए हैं, गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर तकरीबन 100 के आसपास की संख्या में है। और चूंकि पेट्रोल पंप है, जो प्रगति पेट्रोल पंप और जो आपका बोर्ड ऑफिस में आया है, इसके बीच में जो कॉरिडोर है, इसी कॉरिडोर में वो धरने पर बैठे हुए। और हालांकि उनका एक 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मंडी बोर्ड गया है कमिश्नर के पास, जो की ADM नरेंद्र जैन उनको लेकर गए और एडिशनल SP लेकर के गए हैं वहां बातचीत के लिए। जिस तरीके जो मांग है, उनकी मांग है कि उन्हें जो गन्ने का अभी प्रति क्विंटल जो रेट दिया जा रहा है वो 260 रुपए दिया जा रहा है, और उनकी मांग है तो उन्हें 350 यानी 350 प्रति क्विंटल रेट दिया जाना चाहिए, साथ ही बोनस दिया जाना चाहिए। इस तरीके की उनकी मांग है। ये मांग कई बार रह चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसको लेकर के आज उन लोगों ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन से प्रदर्शन किया और बीच कॉरिडोर से प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आए। यहाँ पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे से पहले ही उन्हें रोक दिया और वहीं तो फिर वो धरने पर बैठ गए। हालांकि धरने पर बैठने के बाद ADM नरेंद्र जैन वहां पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद एक 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मंडी बोर्ड कमिश्नर से मिलने के लिए गया हुआ है। जी, खबर ये भी मिल रही थी कि विधानसभा का घेराव भी वो करेंगे, हालांकि अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा स्थगित हो गई है, लिहाजा किसान क्या कदम आगे उठाएंगे, इस बारे में क्या चेतावनी दी है उन्होंने? जी देखिए, ये इनका पहले से ही प्लान था कि विधानसभा का घेराव करेंगे, और इनने पहले भी कहा था कि विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, जिसके कारण पुलिस ने वही जो रेलवे स्टेशन पर ये जब ट्रेन से उतरे तो वही पर स्टेशन पर ही रोक लिया, जिसके बाद में इनकी बातचीत हुई पुलिस से। और जो बोर्ड ऑफिस चौराया है, बोर्ड ऑफिस चौराहे तक की उन्होंने परमिशन ली थी कि यहाँ पर हम पैदल मार्च करेंगे, वहां तक पैदल मार्च किया, वही पुलिस ने फिर रोक दिया। उसके बाद में 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है, ना कि विधानसभा घेराव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। चलिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।